हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई उजीत एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का क्लासी सा फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस आप काफी आसानी से एडिट करके आराम से गाइस इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया में गाइस आप आराम से पोस्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये वाली फोटो को एडिट करने के लिए मैं एक विग्नेट का PNG भी यूज किया था। तो गाइस, उसकी लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, काफी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को गाइस पूरा जरूर से देखना। और गाइस, अभी तक आपने मेरे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, यूजर नेम है उजीत एडिट्स के नाम से। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फोटो को इंपोर्ट कर लिया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और गाइस, सबसे पहले मैं चल जाऊंगा लाइट में। लाइट में जाने के बाद गाइस, मैं इसकी एक्सपोजर को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा और इसकी गाइस कॉन्ट्रास्ट को मैं -2 या -4 तक रख देता हूँ। और इसकी गाइस हाईलाइट को भी मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी गाइस इंक्रीज कर दूंगा। और इसकी गाइस शेडो को भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर दूंगा। और इसकी गाइस वाइट को मैं डिक्रीज कर दूंगा और इसकी ब्लैक को मैं गाइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। आप गाइस स्क्रीन में देख सकते हो। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ये कलर की टूल में। कलर की टूल में जाने के बाद गाइस, इसकी विब्रांस को मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा और इसकी सेचुरेशन को गाइस थोड़ी सी मैं डिक्रीज कर दूंगा। -14 गाइस मैं सेचुरेशन को रख दिया हूँ और विब्रांस गाइस 18 या 20 तक रख देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊँगा मिक्स के टूल में। गाइस मिक्स के टूल में जाने के बाद मैं गाइस ये डार्क ब्लू वाली कलर को सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद गाइस इसके सेचुरेशन को मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसकी गाइस ह्यू को मैं थोड़ी सी घटा देता हूँ। ओके, इतना ठीक है भाई। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ये लाइट ब्लू वाली टूल में। गाइस लाइट ब्लू वाली टूल में जाने के बाद मैं इसकी गाइस सेचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसकी गाइस ह्यू को मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ग्रीन वाली टूल में। ग्रीन वाली टूल में गाइस जाने के बाद सबसे पहले गाइस मैं इसकी ह्यू को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं गाइस। जैसे गाइस देखे यहाँ पर 100 होती है, तो गाइस मैं इसकी आधा रख देता हूँ, 40 या 50 तक रख देता हूँ। ओके, जितना भी रखना है गाइस आपको आधा ही रखना है इसकी ह्यू को। ओके, इसकी गाइस मैं सेचुरेशन को भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊँगा ये येल्लो वाली टूल में। येल्लो वाली गाइस टूल में जाने के बाद गाइस मैं येल्लो वाली टूल की भी ह्यू को आधा रख लेता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद गाइस इसकी सेचुरेशन को भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। लेकिन गाइस इधर थोड़ी ज़्यादा ही ग्रीन लग रही है, तो गाइस मैं ग्रीन में चल जाऊंगा और इसकी ह्यू को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, इतना ठीक है भाई। और इसी गाइस सेचुरेशन को मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ऑरेंज वाली टूल में, जो कि होती है हमारी फेस के लिए। ऑरेंज वाली टूल में गाइस जाने के बाद इसकी मैं ल्यूमिनियंस को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और गाइस फिर मैं चल जाता हूँ रेड वाली टूल में। रेड वाली गाइस टूल की मैं ह्यू को कर देता हूँ -18 या 20 के आसपास, क्योंकि गाइस गेट देख रहे हैं, इसकी कलर थोड़ी सी चेंज करनी है हमको। ओके, इसके बाद गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ भाई डन। डन करने के बाद गाइस मैं चल जाऊँगा ये वाली टूल में। उसके बाद गाइस मैं इसकी विग्नेट को थोड़ी सी कम कर दूंगा 8 या -10% और इसकी क्लैरिटी को गाइस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके, उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा प्रोफाइल्स की टूल में। प्रोफाइल्स की गाइस टूल में जाने के बाद गाइस सेलेक्ट कर लेनी है मैं गाइस विंटेज 10 वाली प्रोफाइल्स को, मतलब इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेनी। और गाइस यहां से मैं कर देता हूं डन। तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद गाइस हमें यहां से शेयर में क्लिक करनी है और गाइस अपनी ये वाली इमेज को कर देनी है सेव टू डिवाइस। तो गाइस अब मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी ये वाली फ़ोटो को लेके चलूंगा थोड़ी और ज़्यादा ही अमेजिंग बनाने के लिए। तो गाइस मैं उस पिक को इंपोर्ट कर लिया हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से मैं चल जाऊँगा ब्यूटी की टूल में। ब्यूटी की गाइस टूल में जाने के बाद मैं यहाँ से स्किन टोन को कर लूँगा सेलेक्ट। स्किन टोन को गाइस सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी गाइस डाटा ऑन होगी तो गाइस ऑटोमेटिक कलर सेलेक्ट हो जाएगी और गाइस अमाउंट भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो गाइस देखिए पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी, थोड़ी ब्लैक टाइप की गाइस हमारी फेस लग रही है और गाइस थोड़ी सी ऑटोमेटिक गाइस स्किन टोन में आने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ ऐसी हो गई है। तो गाइस यहाँ से मैं कर देता हूँ भाई डन। ओके,
डन करने के बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर। और गाइस ऐड फोटो के अंदर आने के बाद गाइस यहां पर एक गाइस विग्नेट की मेरे पास पीएनजी है, तो गाइस आपको मैं लिंक दे दूंगा। सो गाइस ये वाली विग्नेट की पीएनजी को मैं ऐड कर चुका हूं, और गाइस इसको मैं थोड़ी सी रिसाइज कर देता हूं। उसके बाद गाइस यहां मैं थोड़ी सी नीचे में लगा देता हूं इसको एकदम अच्छा से, और गाइस यहां से मैं कर देता हूं डन। डन करने के बाद गाइस मैं चल जाऊंगा फिर से ब्यूटी के टूल में। ब्यूटी के टूल में गाइस जाने के बाद इस बार मैं चल जाऊंगा स्मूथ में। और गाइस हमेशा की तरह अगर आपकी नेट ऑन रहेगी तो गाइस ऑटोमेटिक स्मूथनेस सेलेक्ट हो जाएगी। आप गाइस यहां से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो गाइस मैं जूम करके देख लेता हूं कि मुझे कितना स्मूथ चाहिए। तो गाइस 24 तक ठीक है भाई मेरे फोटो के हिसाब से। ओके तो गाइस अब हमें करनी है डॉज एंड बन। ओके तो गाइस डॉज एंड बन करने के लिए मैं चल जाऊंगा टूल्स में, और यहां से चल जाऊंगा गाइस एडजस्ट में। एडजस्ट में गाइस जाने के बाद गाइस मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा इरेजर के टूल में, और गाइस यहां से मैं कर दूंगा इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद गाइस मैं वापस से जो है चल जाऊंगा रिस्टोर में, और गाइस इसकी साइज को एकदम छोटी कर लूंगा, और इसकी गाइस हार्डनेस को भी थोड़ी सी सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके और ओपेसिटी को गाइस मैं फुल रखूंगा। उसके बाद गाइस मैं फोटो को अपनी बड़ी कर लेता हूं, और गाइस जहां जहां मुझे डॉज एंड बन चाहिए मैं वहां वहां मार लेता हूं। ओके तो गाइस मैं डॉज एंड बन बहुत इजीली मैं ब्रश कर लिया हूं। उसके बाद गाइस मैं यहां से कर दूंगा डन। तो गाइस मैं खाली ड्रेसी के ऊपर किया हूं। ओके उसके बाद गाइस यहां से मैं ब्राइटनेस की अमाउंट बिल्कुल कम रख दूंगा, 5 या 6 रख दूंगा गाइस। ओके क्योंकि गाइस इतना ही चमक बहुत बढ़िया लगेगी हमारी फोटो में, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यहां से मैं चल जाऊंगा ड्रॉ के टूल में। ड्रॉ के टूल में जाने के बाद गाइस मैं 3 डॉट में क्लिक करके अपनी इमेज को कर लूंगा इजीली सेव। तो गाइस अब हम चलते हैं फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस मैं फिर से ये वाली फोटो को इंपोर्ट कर लिया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और गाइस यहाँ पर हमारी फाइनल स्टेप होने वाली है। उसके बाद गाइस सबसे पहले मैं चल जाऊंगा लाइट की टूल में, और लाइट की टूल में गाइस जाने के बाद मैं इसकी एक्सपोजर को थोड़ी सी कम कर दूंगा, -3 या 4 तक रख दूंगा, और इसकी गाइस हाईलाइट को मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। हाईलाइट को गाइस मैं -26 या 30 के आसपास रख दूंगा। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा गाइस शेडो के टूल में, और शेडो के टूल में गाइस जाने के बाद मैं शेडो को भी -6 कर देता हूँ। व्हाइट को गाइस मैं -7 तक रख देता हूँ, और ब्लैक को गाइस मैं 9 या 10 तक रख देता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। ओके उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा कलर की टूल में। कलर की टूल में गाइस जाने के बाद मैं चल जाऊंगा मिक्स के टूल में। मिक्स के टूल में गाइस जाने के बाद मैं ग्रीन कलर को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा, और गाइस ग्रीन कलर की सैचुरेशन को मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, और इसकी गाइस ल्यूमिनेंस को मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं, -10 या 11 तक रख देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा भाई येलो की टूल में। येलो की टूल में गाइस जाने के बाद सबसे पहले गाइस मैं इसकी सैचुरेशन को बढ़ाऊंगा, और उसके बाद गाइस मैं इसकी जो ह्यू है उसको मैं 19 या 20 तक रख देता हूँ। फिर से गाइस मैं ग्रीन वाली टूल में चल जाऊंगा, और गाइस इसकी भी ह्यू को मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, 11 या 10 के आसपास रख देता हूँ। ओके उसके बाद गाइस मैं चल जाऊंगा ब्लू वाली टूल में। ब्लू वाली टूल में गाइस जाने के बाद गाइस मैं इसकी सैचुरेशन को खाली बढ़ाऊंगा, और इसकी ह्यू को मैं +33 तक रख दूंगा। उसके बाद गाइस मैं चल जाता हूँ ऑरेंज वाले टूल में, और गाइस ऑरेंज वाले टूल की ल्यूमिनेंस को मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और इसकी गाइस ह्यू को मैं वहीं तक रहने देता हूँ, ह्यू को मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद गाइस मैं चल जाऊँगा ये रेड वाली टूल में गाइस, और रेड वाली जैसी टूल में गया गाइस इसकी मैं ह्यू को 10 या 8 तक रख देता हूँ, और इसकी सैचुरेशन को गाइस मैं थोड़ी सी कम, इसकी सैचुरेशन को गाइस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ भाई डन। डन करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर गाइस मैं आते ही मैं विब्रांस को थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और इसकी सैचुरेशन को गाइस -2 या 4 तक कम कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से चल जाता हूँ प्रोफाइल्स की टूल में गाइस, और मैं आपको बताता हूँ आपकी कौन सी प्रोफाइल्स आपको सेलेक्ट करनी है।
सो गाइस मैं प्रोफाइल्स के टूल में आ चुका हूँ और गाइस प्रोफाइल्स के टूल में आने के बाद मैं यहाँ से गाइस मॉडर्न वन वाली इफेक्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते गाइस बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद गाइस हमारी फोटो हो चुकी है रेडी, लेकिन भाई अभी भी इनकम्प्लीट है। ओके तो गाइस मैं चल जाऊँगा यहाँ से ये वाली टूल में। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से टेक्सचर को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसकी गाइस क्लैरिटी को मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और इसकी गाइस वीकनेस जो है इसको मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं गाइस मैं -10 या 9 तक रख देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ से मैं चल जाता हूँ ट्रायंगल वाली टूल में। ट्रायंगल वाली गाइस टूल में जाने के बाद मैं इसकी शार्पनिंग को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसकी गाइस मास्किंग को भी मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और इसकी गाइस नॉइस रेडुलेशन को भी मैं बढ़ा देता हूँ और इसकी कलर नॉइस रेडुलेशन को भी मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फोटो हो चुकी है रेडी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ओके देखिए गाइस इसकी एक भी गाइस इमेज की क्वालिटी है वो नहीं घटी और गाइस हमारी फोटो एकदम क्लासी से एडिट हुआ है। ओके सो गाइस मैं अपनी फोटो को यहाँ से शेयर पे क्लिक करता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं फुल HD में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आई होप गाइस आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर आपको गाइस मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर आप गाइस मेरे चैनल में नहीं हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से दबाना ताकि गाइस आप मैं रेगुलर के न्यू अपडेट्स मिस ना कर सको। और हाँ गाइस आप अगर शेयर भी नहीं करते तो प्लीज़ यार शेयर भी कर दिया करो। और हाँ गाइस अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज़ यार मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना। मेरी यूज़र नेम उजीत एडिट्स के नाम से है और गाइस मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से जाके ईजिली मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय गाइस।